हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम करुणेश कुमार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल करुणेश के ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ जो हमारी फसल को बहुत ही नुकसान पहुँचाते हैं, फसल को तोड़ देते हैं चूहे, उसके बारे में सारी जानकारी मैं दूंगा आपको। तो बने रहे हमारे वीडियो पर अंत तक। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, चूहे जो है हमारी फसल पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। उसकी जानकारी के लिए हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं, ये मैं अपने घरेलू नुस्खे से बनाया हूँ। तो सबसे पहले मुझे आटा लेना है। आटा को गूंद कर जिस हिसाब से रोटी के लिए तैयार किया जाता है उसी हिसाब से तैयार कर लें। और दोस्तों, फिर इसको गोली बना कर रख लें। उसके बाद एक एक करके गोली बना कर तैयार कर लें पूरे आटा को, जिस हिसाब से आपका खेत हो उसी हिसाब से। फिर आटे को गोली बनाकर उसको चपाती की तरह करके उसके अंदर जो हम यूरिया खेत में डालते हैं तो उसी हिसाब से भर लें। उसके बीच में भर के फिर उसको गोली ही बना देते हैं एक बाई एक करके। इसी तरह से पूरा मुझे आटा बनाकर तैयार करना है। और दोस्तों, उसके बाद जो हमारा आटा है वो पूरी तरह से तैयार हो जाए तो उसके जो है गोली तैयार हो जाए तो उसके बाद जो कड़वा तेल हम लोग खाने में यूज करते हैं, उसी खाने में अलग तेल को लाकर थोड़े मात्रा में जितनी गोलियां हम तैयार की हैं उन्हीं गोलियों के ऊपर जो है अंगुली की सहायता से एक एक बूंद रख देते हैं हर गोली पर। अगर दोस्तों हम ज़्यादा मात्रा में तेल में इस्तेमाल करेंगे तो ये ज़्यादा गीली हो जाएंगी तो टाइम लगेगा इनको सूखने में, तैयार होने में। तो इसीलिए चिकनावट के लिए हम अपनी उंगली की सहायता से एक एक बूंद हर गोली पर रख देते हैं, जिससे कि हमारी गोली एक में चिपके ना, और चिकनावट के लिए इनको तैयार करते हैं। उसके बाद जो है हम अब इस गोली को एक एक करके धूप में सुखा लेते हैं आराम से बिछा के पेपर पर। और दोस्तों, ये जब सूख जाएंगी तो अब दोस्तों तेल किस लिए लगाते हैं वो मैं बता रहा हूँ। तेल इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसके अंदर जो मैंने नाइट्रोजन यूरिया डाली है उसकी महक बाहर ना आए, क्योंकि अगर चूहा जाएगा तो महकेगा तो उसको कड़वे तेल की महक आएगी, जिससे कि वो आसानी से खा लेगा। जब वो खा लेगा तो खाने के बाद कुछ तो मर जाएंगे, कुछ तो देख कर ही भाग जाएंगे, जिससे हमारी फसल नुकसान हो चुकी है उतनी होगी, आगे नहीं होगी। जो फसल बची है सुरक्षित वो बची रहेगी। और दोस्तों, बहुत ही अच्छा नुस्खा है ये, घर पर आसानी से तैयार किया जा सकता है। अगर हम दवा फौरन डालते हैं तो उसको वो लोग पहले से ही जानते हैं तो खाते नहीं हैं, जिससे हमारी फसल को बराबर नुकसान पहुँचाते हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।